नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानवेंद्र रावत। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। 10 दिसंबर 2018, कैसा रहेगा आपका दिन आज का? दोस्तों, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और यह जो तिथि है शाम को रहेगी 5:50 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और यह है नक्षत्र सुबह 10:30 तक है। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी। यदि हम बात करें योग, तो वृद्धि योग आज पूरे दिन रहेगा, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। योग है गर, यह भी शाम को लगभग 6 बजे तक है, इसके बाद यह बदल जाएगा। आज है सोमवार का दिन। सोमवार के दिन कैसी रहेगी आपके मुहूर्त की स्थिति? तो सुबह 6 से 7:30 तक अमृत का मुहूर्त रहेगा, बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद 9 से 10:30 तक शुभ का रहेगा। और अंततः अगर हम आगे बात करें तो 3 से 4:30 तक लाभ की चौघड़ियाँ रहेंगी। राहु काल, क्योंकि आपको अपने ऑफिस के लिए निकलना है, सोमवार का दिन है, काफ़ी ध्यान इन सब बातों का रखा जाता है। सुबह सुबह ही यह रहेगा 7 बजे से लेके 9 बजे तक लगभग। तो ठीक है, तकरीबन लोग अपना सुबह सुबह राहु काल से फ्री हो जाएं तो ज़्यादा ही अच्छा है। मेष राशि, चंद्रमा की स्थिति जो है आज शाम को परिवर्तित हो जाएगी। 5 बजे के बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मकर में चले जाएंगे। तो कैसा रहेगा आपका आज का दिन? मेष राशि के जातकों के लिए दिन आज मिला जुला व्यतीत होगा। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। हम ये कह तो सकते हैं कि आज संतुलित व्यवहारशील दिन आपका व्यतीत होगा। शाम को क्योंकि चंद्रमा केतु रहेंगे और केतु दुर्घटना का कारक होता है, इसलिए शाम को विशेष सावधानी बरतनी है। 6 बजे के बाद, उससे पहले ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। वृष राशि की यदि मैं बात करूं तो आज दो चीज़ें प्रभावित होंगी, एक आपका अष्टम भाव और दूसरा नवम भाव भाग्य। भाग्य तो खैर बहुत लास्ट में बात आ जाएगी सूर्यास्त होने के बाद में, पर उससे पहले अष्टम भाव में चंद्र शनि का जो विषयोग बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं है, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। बात कर लेते हैं आगे की स्थिति मिथुन राशि की। आपके लिए मिथुन राशि वालों, जैसा कल दिन व्यतीत हुआ था, कुछ कुछ ऐसा ही आज का दिन आपका आज निकलेगा। कुछ ज़्यादा मेजर जो चेंजेस हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे, मिला जुला रहेगा। कर्क राशि के जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए जो आज प्लेनेटरी पोजीशन है वह थोड़ी सी अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी रहेगी लाभ के लिए, अच्छी रहेगी सुख साधनों के लिए, पर छठे भाव के लिए बुरी है। रोग चोट बीमारी ये चीज़ें लगेंगी, टांगों में, पैरों के अंदर, घुटनों की शिकायत के जो पेशेंट हैं, नसों की, जिनको वेरिकोज वेंस की जिनको शिकायत चल रही है, उनके लिए दिन ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए दिन मिला जुला रहेगा, कर्मशील दिन रहेगा, लाभकारी रहेगा, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत रहेगा। कन्या राशि वालों थोड़ा ध्यान रखिए, आप ऐसे भी परेशान चल रहे हैं अभी ढैया से। तुला राशि के जो दर्शक हैं, उनके लिए जो प्लेनेटरी पोजिशन है उसमें सुधार होगा। कल के मुकाबले आज का दिन ज़्यादा अच्छा व्यतीत होगा, आपका मन भी लगेगा काम के अंदर और लाभ भी मिलेगा। वृश्चिक राशि की जो स्थिति है वह ज़्यादा अच्छी आज नहीं रहेगी। धोखे आपको मिलेंगे और अपनों से ही मिलेंगे, इसीलिए अपनों का ही आज विशेष ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं धनु राशि की। आपके लिए आज आलस से भरपूर दिन, काम करने का मन नहीं करेगा, बाहर ज़्यादा निकलने का मन नहीं करेगा, और यदि ऐसा हो सके तो आप अपने घर पर ही रहें, तो मैं ज़्यादा सलाह आपको यही देना चाहूँगा। मकर राशि, खर्च ज़्यादा होंगे, लाभ में कमी और थोड़ा मान सम्मान में भी कमी, स्वभाव में चिड़चिड़ाहट, यह चीज़ें रहेंगी। कुंभ राशि, लाभकारी दिन रहेगा, लाभ आपको प्राप्त होगा, लाभ भी आपको शुभ कार्यों से प्राप्त होगा। मीन राशि, कर्म भाव की स्थिति मजबूत होगी, मेहनत करेंगे और मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, यह था आपका आज का राशिफल। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।